हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो ये वीडियो है वो है पावर फंक्शन को लेकर के, यानी कि इसके पहले हमने ऑपरेटर का प्रयोग किया था, पावर ऑपरेटर का प्रयोग करके और फिर कैलकुलेट किया था पावर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पावर फंक्शन की मदद से, एक पावर नाम का फंक्शन होता है उसकी मदद से हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अब तक ये नहीं देखा कि कैसे हम पावर ऑपरेटर की मदद से पावर कैलकुलेट करें तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो पावर फंक्शन हमें पावर कैलकुलेट करके देता है। कैसे कैलकुलेट करके देता है वो आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ फाइल पे चलते हैं और न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल ले लिया हमने। अब यहाँ पर वो कोडिंग करनी है जिसकी मदद से हम पावर लगाएंगे और फिर वो पावर हमें कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट, ठीक है, और फिर लिख देता हूं यहाँ पे लाइक पावर फंक्शन का यूज कर, POW लिखा हमने। और फिर हम चाहते हैं कि 2 पर पावर 3 कैलकुलेट करके ये दे दे, यानी तो 2 to the power 3 कितना होता है, 2 to the power 4 to the power 8। तो यानी कि यहाँ पे 8 आना चाहिए आंसर हमारा। ठीक है, तो पावर फंक्शन हमें यही बताता है। तो चलिए ये देखते हैं, इसको पहले एक बार सेव करता हूं यहां से। और अब यहां पे इसको एक नाम दे देता हूं, लाइक मैं इसको नाम दे देता हूं power.py लगाना जरूरी, क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब ये हो गया बस। अब देखिए इसका कमाल देखिए, यहां पर अगर मैं जाता हूं तो ये हमें पावर कैलकुलेट करके देगा। लाइक देखिए यहां पे 8 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कुछ और पावर, जैसे किसी और संख्या का पावर निकालना चाहता हूँ, लाइक मैं निकालना चाहता हूँ 11 का, तो यहाँ पे 11 का पावर ये दे देगा। ये पावर फंक्शन बड़े ही काम को आसान बना देता है। जैसे ऑपरेटर की मदद से हम करते थे तो वहां अलग जो है कंडीशन थी, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। किस तरह से इसको यूज करेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब बात करें नेगेटिव नंबर का, अगर पावर निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लाइक यहाँ पे -5, और -5 का पावर 3 हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं -125 आ रहा है, जैसा कि मैंने दिया यहाँ -5, तो यहाँ पे -125 आ रहा है। 5 5 जा 25 और 25 जा -125। ठीक है, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ -125 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, और फिर यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ये सेव कर दिया, अब यहाँ से इसको रन करवाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो 0.008 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें यूजर की मदद से, तो यूजर की मदद से कैसे इसे कराएंगे ये अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।